भी है ईस्टर्न पैरल पैरल हाईवे, यहाँ से 82 किलोमीटर है चंडीगढ़, और उससे आगे पड़ता है 150 किलोमीटर शिमला, आई थिंक 120-130। और रास्ता काफ़ी स्लो पार हो गया है, खास करके धूप देखने को मिली है, तो थोड़ा सा बैठे हाईवे साइड। चंडीगढ़ है 237, और अभी हम थोड़ा सूसु के लिए रुके थे। ईस्टर्न पैराफेरल हाईवे ख़त्म हो गया है, इसके बाद अब चलते हैं आगे, देखते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं है, अब इतनी सुबह झेली थी उससे तो काफ़ी राहत है। पहुंचने का विचार तो पूरा टोटल शिमला ही है। देखते हैं अब कहां तक पहुंच पाते हैं। अभी हो चुके हैं 390 किलोमीटर, 390 और नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए जा रहे हैं। नज़ारे एक तरफ सरसों के खेत और एक तरफ गन्ने के खेत, कुछ ऐसा यहाँ माहौल है। और काफ़ी अच्छा रूट है, मज़ा आ रहा गाड़ी चलाने में। थोड़ी नींद की झपकी आ रही है, रात भर नींद नहीं आई। देखते हैं कब तक गाड़ी चला पाते हैं। और इधर सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सरसों के खेत तो कम दिख रहे हैं पर गन्ने की खेती तो बाप रे बाप, हर जगह, उधर देखो उधर देखो ये देखो। गाड़ी पूरी गंदी है और बस चलते जा रहे हैं। चलो मिलते हैं बाद में। तो आज जो गूगल मैप घुमा रहा है ना, ज़िंदगी में कभी भरोसा ना हो ऐसा गूगल देवता लेके जा रहे हैं। शॉर्टकट है भाई, और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, क्या करूँ, रास्ते मुझे भी पता नहीं है ये कौन से रास्ते से लेकर आए हैं। और ये है नेशनल हाईवे 709 AD, नेशनल हाईवे, ऐसा नेशनल हाईवे, आते टाइम तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा भैया, ऐसा ही चलता रहा तो बहुत टाइम जा रहा है भाई, बहुत टाइम। ओ मन कर रहा है सैडलिंग कर लूं, पर सैडलिंग भी इस ट्रैफिक पे तो नहीं हो पाएगी।
अपनी मर्जी से गाड़ी नहीं चला पा रहा, क्योंकि देख ही रहे हैं यूपी है भैया। कोई भी कहीं से भी आ जाता है सामने। येलो, एक और चीज़ देख लो, बहुत ही ज़्यादा गंदा फंसा हूँ। देखते हैं क्या कितना टाइम लगता है। ये बच्चे का रिएक्शन देखो, फुल 3 मिनट से मैं खड़ा हूँ, नज़र नहीं हट रही। ऐसा बचपन में हमारे साथ में भी हुआ करता था, जब हम किसी को देखते थे गाड़ी में जाते हुए। और एक फर्स्ट टाइम की मेरे को मेमोरी याद है, जब मैं खड़ा हुआ था और मेरे सामने से BMW GS पे, GS 1250 पे दो बंदे फॉरेनर्स थे, मे बी पूरा ग्रीन कलर का रिफ्लेक्टर जैकेट थी उनकी, ये याद है। उनकी जैकेट है महंगी थी, अच्छी खासी पैसे वाली। तो वो BMW पे देख के जो मुझे फील हुआ था उस टाइम पे, आज मुझे भी ऐसे याद आया कि यार क्या मज़े करते हैं यार वो लोग, ऐसा क्या लाइफ है। और मैं बाइक लाइन से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने 6-7 से ही बाइक के बारे में जानना है। और मेरी फैमिली में मेंबर्स भी है 2-3 जो बाइक चलाते हैं, वो स्टंट राइडर, एक तो प्रोफेशनल स्टंट राइडर है और दूसरे ट्रैवलर है। तो ऐसे ही मुझे भी बहुत अच्छा जुनून चला है, हालांकि अभी के टाइम पे तो सिर्फ मैं ही अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बाकी सब अपने बिजनेस वगैरह संभालने में लग गए। एज होती जाती है जैसे जैसे उनका, अभी भी वो बच्चा देख रहा है और ये बच्चों की छुट्टियाँ होते हुए टाइम हो गया, 1:38, स्कूल भी आसपास ही होगी। आगे गूगल ने रोड क्लोज बताया, इसलिए इतना रश इस गली में दिख रहा है, वरना तो इन गलियों को कोई पूछता तक नहीं है। बच्चे बोल रहे राइडर है राइडर, हाँ उनके लिए, पर हमारे भी बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, मुश्ताक जुनेद जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, टोल फ्री ट्रैवलर जिनसे मेरे चैनल का नाम मैंने सोचा। और देवू दादा तो अलग ही चीज़ है, ही इज़ लेजेंड मैन। और दयाला भारद्वाज जो बचपन का क्रश हुआ करता था बाइक राइडिंग में, कि उन्होंने जब करिश्मा पे कंट्री की थी तो उस चीज़ से मैंने करिश्मा ली थी रेड कलर की, उन्होंने येलो पे करी थी, मैं येलो पे बहुत कर रहा था कि मुझे येलो मिले। पर उस टाइम पे जितना मुझे बजट था मेरा, आज भी है मेरे पास में करिश्मा आर 2010 मॉडल, और उसको मैंने पूरा एडवेंचर करा रखा है, ADV बना रखी है। जब से ये आई है उसको बेचारी को चलाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। उसको भी निकालूंगा एक छोटे ट्रिप के लिए जब फ्रेंड सर्कल के साथ होऊंगा, क्योंकि उसके साथ में लास्ट टाइम पे बहुत छोटे हुई थी, शायद आप लोग उस टाइम पे, मैं यूट्यूब पे कम था। सिनेमैटिक एक वीडियो बनाई है जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट है, और तो बाकी भाई इस हिसाब से चला तो मैं तो काफ़ी लेट हो जाना है, 7 नहीं 8 तो बजेंगे, और मैं नहीं चाहता 8 बजे पहुंच के मुझे होटल ढूंढने में दिक्कत आए। ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रास्तों का मुझे पता नहीं मैं कहाँ रुक जाऊं, इसलिए मैं देख रहा हूँ वहाँ पे जाके जब करेंगे। बाप रे बाप, एक स्कूल में कितने बच्चे होंगे, क्योंकि काफ़ी उधर की तरफ गए, काफ़ी इस तरफ जा रहे हैं।
दो बजने को आए और रास्ता काफ़ी बाकी है, अभी काफ़ी बाकी है इस रास्ते से। काफ़ी कहाँ कहाँ से लेकर आया मुझे खुद को नहीं पता ये रास्ता, ये क्या चीज़ है। कुछ ऐसा नज़ारा रास्ते का जिसमें नदी का नाम तो नहीं पता क्या है, पर बहुत प्यारी जगह है। यूपी बॉर्डर में भी ख़त्म हो चुका है, आगे बोर्ड लगा है, पढ़ के बताता हूँ कहाँ पहुँचा हूँ मैं। गूगल देवता की वजह से कहाँ कहाँ से निकलना पड़ा है। चंडीगढ़ 143, अम्बाला 91 एंड करनाल 14 किलोमीटर, और मेरी डेस्टिनेशन है 242 किलोमीटर। ओके, फर्स्ट टाइम इस रूट से आया हूँ और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, मज़ा नहीं आया। बीच बीच के पैचेस बहुत ख़राब थे और सुबह का डिसीज़न जो फॉग पे गाड़ी चलाया, प्लीज़ मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि ऐसे विजिबिलिटी पे कोई भी गाड़ी मत ना चलाए। मेरी मजबूरी ये थी कि मेरे को कुछ जगह ही नहीं मिल रही थी और मेरे साथ में फीमेल भी है, तो इसके लिए मैं रुक नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे एरिया मुझे सेफ़ नहीं लगता है। मैं जानता हूँ जहाँ तक निम्स से पहले के रास्ते कैसे हैं, निम्स के बाद के रास्ते कैसे हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस को लेते हुए 20-20, 30-30 की स्पीड पे चलाना। और लेन जो मैं प्रॉपरली उसका नाम, उसका जो लाइन बनी रहती है फर्स्ट लेन सेकंड लेन थर्ड लेन, उसकी जो वाइट लाइन होती है बहुत साथ देती है भाई, उसके बिना तो खैर। ये मेरा एक्सपीरियंस था, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कुछ ऐसा जो आपने फेस किया हो, बहुत हार्ट बीट तेज करने वाला। मेरा तो कुछ ऐसा ही था कि मुझे जो फील हुआ मैंने बयां किया, और अभी डेस्टिनेशन बाकी है मेरी तो। और अभी चलते हुए मैं घर से निकला था 3:10 या 3:20 पे, और अभी बज रहे 1, और गूगल के 6:57 यानी कि 6:57 तक मैं आपके मैं लोकेशन पे होऊंगा। और मुझे पूरी जर्नी पे 241 किलोमीटर करने में 5 घंटे 37 मिनट लगेंगे, तो वेलकम बैक दोस्तों। आ गई शिमला की वादियाँ स्टार्ट हो गई है और 85-80 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है अब। ओके, सो फार मेरे हिसाब से 1.5 घंटे के अंदर मैं कवर कर दूंगा। जब तक धूप है मैं, मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। वैसे यार रूट काफ़ी अच्छा है यार देखा जाए तो, खींच सकते हैं आराम से 80-70 तो इसमें जा सकती है। पर मेरा लगेज क्या है, मैक्स जो मैक्स कैपेसिटी पे 7 kg जो है हिमालयन में आज 2021 में जो दिया है, तो मैंने लोड कर रखा उसको 10 से 12 किलो, तो मैं मतलब कॉर्नर लेने में थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से ही चलूँगा। आप इंजॉय करें।